अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो? तकड़े मस्त राजी? ई वीडियो सऊदी अरब जहाँ कुछ खबर सुन शेयर करें नवा। पहली खबर योम तासीस के हवाले नाल है। खादिम हरमैन शरीफ एंड शाह सलेमान बिन अब्दुल अजीज योम तासीस के मौके के उत्ते दसाए। योम तासीस तमाम चैलेंज को साबित कदम रहन का जशन है। 1139 हिजरी को गिनते 1727 ईस्वी के दौरान मुबारक रियासत के क्याम की याद इत योम तहसीस मनावण के उत्ते साकू फखर है। सऊदी रियासत अपने क्याम के रोज़े अव्वल को गिनते अज तक अमन ते इस्तकाम की बुनियादी के उत्ते अस्तूर है। अदल ते इंसाफ दा इथा बोल बाला है। योम तहसीस बेहतरीन मुस्तकबिल की आरजूमंदी का जशन है। तमाम नेमतें के उत्ते अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करेंदे हैं। ये खादिम हरमैन शरीफ हैं शाह सलेमान अपने ट्विटर अकाउंट से दसाए। बी खबर सऊदी वजारत तजारत के हवाले नाल है। सऊदी वजारत तजारत दसाए तजारती परदापोशी 6 लाख रियाल जुर्माना ते कारोबार बंद ते एक गैर मुल्की को सऊदी अरब तो बेदखली की सजा दी है। अदालत अल खुबर कमिश्नरीत एक शामी शहरी सऊदी के नाँ के उत्ते कारोबार करें पाया जैको वजारत तजारत के अहलकारें पकड़ के अदालत पेश किया। नाल इंदे सऊदी शहरी भी आ। ये सऊदी शहरी अपने नाँ के उत्ते एक कारोबार करवाना पाया। कारोबार इन्हें का यह आ बाहर के मुल्क तो समान मंगवाते हैं वला अपने मुल्क विचेंदे हैं सऊदी अरब तो। लेकिन यह काम सारा गैर मुल्की का जरा शामी है तो ना सऊदी का चलता पाया। इन शामी शहरी का कारोबार ही जब्त किए ने। इन्हें डुनाए के उत्ते 6 लाख रियाल जुर्माने किए ने ते नाल अखबारें विच इन्हें दी पीस भी दी ने ते इन शामी शहरी को सऊदी अरब तो बेदखली कर दे सन अदालत के हुक्म ते। भी खबर सऊदी टेलीकॉम STC कंपनी खालिस मुनाफे दे विच 3% इजाफा रिकॉर्ड किया है। 2020 इन कंपनी का खालिस मुनाफा 58.9 बिलियन रियाल आ। 2021 इनका मुनाफा खालिस 63.4 बिलियन रियाल रिकॉर्ड किया गए। इन खबर की तफसील बहु लंबी है लेकिन जेरी अहम शे ही उस शेयर कर दी मैं। भी खबर सऊदी अरब योम तहसीस के मौके के उत्ते रिवायती लिबास मलबूस अफराद को रियाद सीजन के 2 मकाम के उत्ते मुफ्त दाखिले की इजाजत आई। कल 22 फरवरी को योम तहसीस मनाए ने जेरा 300 साल पहले कायम थी सऊदी रियासत की याद ताज़ा करवाइंदा है। जैदा बाकायदा कायम का ऐलान इमाम मोहम्मद बिन सऊद 1727 को किया। सऊदी मीडिया के उत्ते ज़्यादातर खबर ये चल जा खड़ी योम तहसीस के हवाले नाल। भी खबर रियाल रेट के हवाले नाल है। कल मंगल वाले जाड़े सऊदी अरब दिया मुख्तलिफ बैंक पाकिस्तान एक रियाल के बदले 47 रुपए देंदिया रह गए। इंडिया कित 19.94 रुपए ते बंगलादेश कित 22.96 रुपए। ई हिसाब न लख का हिसाब दिठा विजे तो 2130 रियाल के बदले पाकिस्तान 1,110 रुपए मिलते रह गए। भी खबर STC के हवाले नाल है। STC सऊदी अरब के मुखालिफ ट्वीट के उत्ते एक गैर मुल्की को अपनी कंपनी तो बरतराफ कर दिता है, नौकरी तो काट दिता सी ते मुतालका इदारे के हवाले ही कर दिता सी। इन गैर मुल्की के खिलाफ STC कंपनी को शिकायत मिली है। ये अपने ट्विटर अकाउंट से सऊदी अरब के खिलाफ मुखालिफ ट्वीट कर रहा है जैसे बाद इन कंपनी छानबीन की गई तो ये इल्ज़ाम इन उत्ते साबित थी गया। इन बाद एक नौकरी तो हटा दिता ने ते मुतालका इदारे के हवाले ही कर दिता ने। इन गैर मुल्की के बारे इन कहने दसाया जो केरे मुल्क नाल ताल्लुक रखेंद है। भी खबर अरब इतिहाद बरए यमन 24 घंटे के दौरान हज आयत होशियन के ठिकाने के उत्ते 23 टारगेट ऑपरेशन किए वेन जैसे नतीजे 11 फौजी गाड़िया होशियन तबाह तो कई होशी ई हमले में मारे गए वेन। ये हमले कल मंगल वाले जहाड़े किए ने। बाकी पकड़ के हवाले नाल इन टाइम मेरे को कोई खबर भी कहे नहीं सरकारी जरिए ने क्योंकि तुसा बिरा बहू पकड़ के बारे पूछते हो। इन खातर वीडियो के आखिर सौकू दसाना पियावा अजन तक मेरे कोई भी खबर कहे नहीं जिमें कोई खबर आसी सरकारी जरिए ने या तुसा बिरावे ने ऊँ ही वेले सौकू दसे सा। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कराए तो बिने बिराव शेयर भी कराए। अल्लाह हाफिज़।